नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से विक्रांत ब्लॉग्स की एक और नई वीडियो में। देखो आज हमारा छुट्टी का दिन, बारिश हल्की हल्की हो रही है, मौसम है बड़ा मस्त सुहाना। तो हम और हमारे दोस्त मिस्टर पंकज शुक्ला, अल्टीमेट ब्लॉग्स के मालिक, बहुत अच्छा इनका भी चैनल अब चल रहा है, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहें तो हम दोनों ही कुछ ना कुछ आगे बन जाएंगे और आपको ये लोकल शाहजहाँपुर की जगह हम आपको दूर दूर की जगह भी दिखाएंगे। कोशिश तो हमारी यही है कि हम लोग आपको बड़ी बड़ी और दूर की जगह भी दिखाएं। कीचड़ लग गई पैरों में, टुप के कोई बात नहीं। अब हम चल रहे हैं क्योंकि हम लोग किसी गांव के अंदर जा रहे हैं, कांट रोड पे ही कोई अंदर गांव है, वहाँ पे भी हमें किसी ने बताया है एक बहुत ही सुंदर और अच्छा मंदिर है। तो देखते हैं, चेक करते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं मंदिर के। बने रहो साथ में और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते रहिए, चलें। तो जिस गांव के अंदर हम लोग बड़े थे वहाँ हमें कोई मंदिर तो नहीं दिखा, किसी ने शायद हमारे साथ मजाक किया था कि वहाँ पे एक मंदिर है, लेकिन वहाँ पे हम लोग काफ़ी दूर तक गए लेकिन हमें मंदिर नहीं मिला। तो हमें यहाँ दूर सड़क से एक ये दिखाई दिया, देखिए रहने की कितनी मस्त जगह, जो शहर वाले ढूंढते हैं ना, वो जो ट्री हट वगैरह जो कि हम करेंगे, पिकनिक करेंगे, मौज मस्ती। देखिए गांव में ट्री हट नहीं लेकिन खेत हट बने हुए हैं, कितनी ज़बरदस्त लग रही है कि यहाँ आप आके अगर विश्राम करें या फिर ओए ये देखिए गांव का पूरा आनंद लीजिए क्योंकि आज हम घूम रहे हैं अलग अलग गांव में ही, कहीं ना कहीं बीच में। अब ये हम लोग कांट रोड पे ही कहीं पे किसी गांव के अंदर आ गए, गांव का हमें नाम तो नहीं पता, लेकिन काफ़ी अच्छा खेत खलिहान देख रहे हैं आप लोग, कितना बढ़िया लग रहा है। तो इसी तरह अभी हम आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और दिखाते हैं, चलो। दोस्तों हम लोग निकले थे घूमने की, कहीं हमें कुछ दिखेगा कोई मंदिर, लेकिन हमें यहाँ पे मंदिर तो नहीं, लेकिन बहुत ही अद्भुत चीज दिख गई है। ये देखिए भोलेनाथ, गणेश जी और माता पार्वती की इतनी विशालकाय और सुंदर मूर्ति, किसी गांव के अंदर है। अगर हम लोग जाते हैं लखनऊ बरेली हाईवे पे तो उसके राइट हैंड साइड में कोई ये गाँव है, उसके अंदर आके ये है, स्कूल के पीछे बंथरा, आप कह सकते हैं कि बंथरा के आसपास में ही ये है। अभी हम आपको आगे से इसका व्यू दिखाते हैं, कितना शानदार लगता है, चलिए देखिए। दोस्तों मुझे लगता है कि ये शायद मंदिर हुआ करता था, जिसे शायद यहाँ पे तोड़ दिया गया है या फिर कुछ बनाया नहीं गया या अधूरा छोड़ा गया, क्योंकि मुझे ये मंदिर जैसा ही प्रतीत हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हैं। तभी इनके सामने ये भोलेनाथ जी की मूर्तियाँ लगाई गई हैं, भोलेनाथ और पार्वती मैया और गणेश भगवान जी की। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग मेरे पीछे देख रहे हैं, कितने सुंदर भोलेनाथ, पार्वती मैया और गणेश जी के साथ यहाँ पे स्थापित किए गए हैं। वैसे तो अगर मैं आपको बता दूँ, ये एक पीछे को इस साइड इसके पीछे एक स्कूल है और उधर ही मेन हाईवे है आगे, वो जहाँ पे आपको ट्रक रख जाते दिख रहे हैं वो है हाईवे। और हम लोग आ चुके हैं हाईवे से थोड़ा अंदर गांव की तरफ। इस गांव में हमें ये देखने को मिल गए, ये तो मेरी नज़र पड़ गई दूर से, तो मैंने कहा चलते हैं देखते हैं क्या है। और काफ़ी सुंदर लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आके आप देख रहे हैं खाली पड़ा है एकदम, ये देखिए मैदान है पूरा, काफ़ी सुंदर और भव्य मंदिर। वो हमारा भाई सिनेमैटिक वीडियो शूट कर रहा है बहुत तगड़ी। चलते हैं अब कहीं आगे और बढ़ते हैं और दिखाते हैं आपको कुछ नेक्स्ट क्या मिलता है हमें देखने को। तब तक बने रहो साथ में, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। चलते हैं आगे। बारिश फिर से शुरू हो गई है हल्की हल्की होना, फिर से हम लोग बारिश का आनंद लेते हुए आगे बढ़ेंगे। चलो।